मिर्ज़ा साहब के सुनने वालों की जनाब में ये अर्ज़ करूँगा, मिर्ज़ा खुसूसियत के साथ इस दजलो फरेब से लोगों का शिकार करता है कि ये किसी का भी कलाम बयान कर रहा हो, चाहे कुरान की आयत पढ़ रहा हो, चाहे हदीस रसूल पढ़े, चाहे साहबा के आसार पढ़े, चाहे ताबेइन व ताबेइन तबा ताबेइन के अकवाल पढ़े, चाहे उलमाए उम्मत के फतवाजात या अकवाल या इबारात पढ़े, हत्ता के इसके अपने पसंदीदा लोग जिनको ये खुद पसंदीदा मानता हो, ये उनके भी नाम से बात करता है ना, तब भी ये उनके बयान करदा जुमले, उनके तहरीर करदा जुमलों में भी अपने मायने, अपने मफहूम, अपनी बातें घुसेड़ देता है। और यूं उनकी मुराद चाहे कैसी कुछ क्यों ना होती, इसने जो अल्फाज उनके जुमलों में घुसेड़े उसके नतीजे में मुराद बिल्कुल बदल जाती है। पिछली रिकॉर्डिंग में वक्त की किल्लत की वजह से मैं तवज्जो नहीं दिला सका था, आज मैं आपको खुसूसियत के साथ ये तवज्जो भी दिलाना चाहूँगा, समझिएगा, क्योंकि मसला सिर्फ इतना है कि यह बात बिल्कुल वाज़ह हो जाए कि मिर्ज़ा इंतहा दर्जे का झूठा धोखेबाज दज्जाल फरेबी आदमी। ये मेरे हाथ में खिलाफत व मलूकियत है मौदूदी साहब की, शायद पुराना एडिशन होने की वजह से आपको नाम ना समझ में आ रहा हो, मैं इसको आपको ऐसे दिखा देता हूँ, ये खिलाफत व मलूकियत है मौदूदी साहब, ठीक है। मिर्ज़ा जी ने जो कहा ना कि मैंने पूरी खिलाफत मलूकियत में ना दो जुमले अंडरलाइन किए हैं, तो वो दो अंडरलाइन किए हुए जुमले मैं आप भाइयों को सुनाना चाहूँगा कि जिससे बताना मकसूद ये है, ठीक है कि मौदूदी साहब कुछ भी कह रहे थे लेकिन मिर्ज़ा ने मौदूदी साहब तक की नुमाइंदगी गलत की है, उसमें भी धोखा दिया, आप अंदाज़ा करें। एक दफ़ा जुमला पढ़ के बताया, तो मैंने पूरी खिलाफत व मलूकियत में ना दो जुमले अंडरलाइन किए, एक जुमला उसमें से यह है कि उन्होंने कहा हज़रत उस्मान खलीफा राशिद थे, खलीफा और बादशाह में यही फ़र्क होता है, उनके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हुआ, उन्होंने अपने लिए तलवार नहीं उठाई, अपनी ज़ात के लिए शहीद हो गए, प्रोटेस्ट करने दिया, ज़ाहिर है साहबा ही कर रहे थे, ज़ाहिर है साहबा ही, अगर कोई शरारती लोग और होते तो वह कहते बाहरों कितों ले आया भर्ती करके किराए दें। अब पंजाबी के जुमले आने तक तो आदमी ये समझ सकता है कि ये मिर्ज़ा जी का जुमला है, लेकिन उर्दू जुमले जब तक चल रहे हैं, उर्दू अल्फाज जब तक चल रहे हैं, एक आम कारी वो कैसे समझेगा कि इसमें कौन सी इबारत मौदूदी साहब की और कहाँ मिर्ज़ा जी की अपनी मुराद घुस चुकी है। अब सुने ज़रा बात, खिलाफत मलूकियत, खिलाफत व मलूकियत के सफ़र नंबर 120 पे ये जो जुमला मिर्ज़ा जी कह रहे ना कि मैंने अंडरलाइन किया, वो जुमला सुने मैं उसको उसके पूरे सियाक के साथ आप भाइयों को बयान करूँगा तो वो बिल्कुल वाज़ह हो जाएगा। मौदूदी साहब लिखते हैं कि हकीकत यह है कि इस इंतहाई नाजुक मौके पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने वो तर्ज अमल इख्तियार किया जो एक खलीफा और एक बादशाह के फ़र्क को साफ साफ नुमाया करके रख देता है। मैं आपसे मिर्ज़ा जी का जुमला दोबारा पढ़ूंगा, सुनिएगा, मैंने पूरी खिलाफत व मलूकियत में ना दो जुमले अंडरलाइन किए, एक जुमला उसमें से यह है कि उन्होंने कहा हज़रत उस्मान खलीफा राशिद, खलीफा और बादशाह में यही फ़र्क होता है, जबकि बात किस तरह शुरू हो रही है, हकीकत यह है कि उस इंतहाई नाजुक मौके पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो तर्ज अमल इख्तियार किया जो एक खलीफा और एक बादशाह के फ़र्क को साफ साफ नुमाया करके रख देता है। मिर्ज़ा जी कहते हैं कि उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, उन्होंने अपने लिए तलवार नहीं उठाई, अपनी ज़ात के लिए शहीद हो गए, प्रोटेस्ट करने दिया। ये मिर्ज़ा जी ने मौदूदी साहब की तरफ जुमले मंसूब किया। अब जो मौदूदी साहब आगे क्या कह रहे हैं वो सुनिएगा ज़रा बात, इनकी जगह कोई बादशाह होता तो अपने इक्तदार को बचाने के लिए कोई बाजी खेल जाने में भी उसे बाक ना होता, उसकी तरफ से अगर मदीने की ईंट से ईंट बच जाती, अंसार व महाजरीन का कत्ले आम हो जाता, अजवाज मुताहरात की तोहीन होती, मस्जिद नबी भी मस्मार हो जाती तो वो कोई परवाह ना करता, मगर वो खलीफा राशिद थे, उन्होंने सख्त से सख्त लम्हों में भी इस बात को मलहूज रखा कि खुदा तर्स फरमा रवा अपने इक्तदार की हिफाजत के लिए कहाँ तक जा सकता है और किस हद पर पहुँच कर उसे रुक जाना चाहिए। वो अपनी जान दे देने को उससे हल्की चीज़ समझते थे कि इनकी बदौलत वो हुरमत पामाल हो जो एक मुसलमान को हर चीज़ से बढ़कर अजीज होनी चाहिए। यहाँ ऐसा कोई जुमला है कि प्रोटेस्ट करने वाले साबत, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि मिर्ज़ा जी ने इस जुमले को कैसे बयान किया है,
एक जुमला उसमें से यह है कि उन्होंने कहा हजरत उस्मान खलीफा राशिद थे, खलीफा और बादशाह में यही फर्क होता है। उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, उन्होंने अपने लिए तलवार नहीं उठाई, अपनी जात के लिए शहीद हो गए, प्रोटेस्ट करने दिया। जाहिर है साहब ही कर रहे थे, अगर कोई शरारती लोग और होते तो वह कहता बाहरों के थोले आए भर्ती करके किराए दें। जाहिर है साहब ही कर रहे थे, ये अल्फाज किसके हैं? मिर्जा जी के, ये मौदूदी साहब के अल्फाज नहीं है। ठीक, अच्छा, फिर मिर्जा जी कहते हैं दूसरा जुमला जो मैंने उनके अंडरलाइन किया वो ये है कि अगर हजरत माविया बिन अभी सुफियान रजी अल्लाह तआला की गलतियों को हम गलती नहीं कहेंगे तो हम हक और बातिल, गलत और सही के मेयार को खतरे में डाल देंगे। इतने सॉफ्ट अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने, ये मिर्जा जी ने मौदूदी साहब के लिए जुमला लिखा कि उन्होंने कहा, मैं जुमले को मिर्जा जी के कहे जुमले को दोहराया, तो अगर हजरत माविया रज़ी की गलतियों का हम गलती नहीं कहेंगे तो हम हक और बातिल, गलत और सही के मेयार को खतरे में डाल देंगे। अब मौदूदी साहब के जो अल्फाज हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, सफ़ा नंबर 153 पे वो कहते हैं, पूरे सियाक के साथ मैं आपको बात बता रहा हूँ। हजरत माविया रज़ी अल्लाह तआला के मुहामिद व मनाकिब अपनी जगह पर हैं, उनकी शर्फ सहाबियत भी वाजिबुल एहतराम है, उनकी ये खिदमत भी नाकाबिले इनकार है कि उन्होंने फिर से दुनिया इस्लाम को एक झंडे तले जमा किया और दुनिया में इस्लाम का एक गलबे का दायरा पहले से ज़्यादा वसी कर दिया। उन पर जो शख्स लान तान करता है वह बिलाशुबा ज़्यादती करता है, लेकिन उनके गलत काम को तो गलत कहना ही होगा। उसे सही कहने के मायने ये होंगे कि हम अपने सही व गलत के मेयार को ख़तरे में डाल रहे हैं। और ये इबारत मुकम्मल हो गई, आप अंदाज़ा करें कहाँ मिर्जा जी का कहा हुआ कहा, यानी कि मंसूब मौदूदी साहब की तरफ मंसूब किया हुआ जुमला, अगर हजरत महावीर रज़ियल्लाहु की गलतियों को हम गलती नहीं कहेंगे तो हम हक और बातिल, हम हक और बातिल, गलत और सही के मेयार को खतरे में डाल देंगे। जुमला ये नहीं है, जुमला ये है कि उसे सही कहने के मायने होंगे कि हम अपने सही व गलत के मेयार को खतरे में डाल रहे हैं, हक और बातिल नहीं, अपने सही और गलत के मेयार। मेरे भाई बात को समझे, मैंने पिछली रिकॉर्डिंग में तवज्जो दिलाई कि हक और बातिल तो कुरान और हदीस का मेयार है, शख्सियात का मेयार नहीं। हक और बातिल के मेयार तय होते कुरान व हदीस से, शख्सियात से नहीं। ये कितनी खतरनाक बात है कि आप एक नए बंदे के दिमाग में यह बात डालें कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की गलतियों को गलतियां बताना हक है और छुप, यानी कि उनकी गलतियों को ना बताना या खुदा ना खास्ता छुपा लेना, यह खुदा ना खास्ता कोई बातिल हो जाती है बात, ऐसी कोई बात नहीं। अव्वलन तो मैं अपनी हर रिकॉर्डिंग में अल्लाह की दी हुई तौफीक से जवाबात देने के दौरान मैं बार बार ये तवज्जो दिलाता हूँ, अल्लाह ताला का इस उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह ताला का हम लोगों पर बहुत बड़ा एहसान है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर जो एतराज़ात किए जाते हैं वो दो किस्मों से खाली नहीं है। पहला, एतराज़ करने वाले एतराज़ात कशीद करते हैं, हकीकत में एतराज़ात होते नहीं हैं, वो बनाए जाते हैं, वो एतराज़ात घड़े जाते हैं, उनकी असल हकीकत अल्लाह के फजल करम से उलमा और हम जैसे हकीर लोग भाइयों के सामने रखते हैं। दूसरा कि एतराज़ात असल में एतराज़ात नहीं होते, मायने मफहूम समझने, पस मंज़र को जानने की गलती होते हैं, वो बात उस तरह नहीं होती है जिस तरह आपने सुन ली होती है। वजाहत देने वाले उलमाए किराम जब तारीख़ हवाला जात कुरान और हदीस के दीगर सबूत व कराइन व शवाहिद को सामने रख के जब उसके जवाबात देते हैं, अल्लाह के फजल करम से वो बिल्कुल निखर के बात सामने आ जाती है कि साहब की तरफ इस तरह भी गलती का इंतसाब करना हमारी गलती था, उनकी नहीं। मैं फिर दोहरा दूं, आज भी साहबा मासूमन अलखता नहीं है, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है आप अपनी तरफ से गलतियाँ घर के लाओ, साहबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर डालो और हमें कहो कि तस्लीम कर लो। सवाल नहीं पैदा हो सकता, गलत और सही के मेयार से आपकी कही हुई बातों को गुजरना पड़ेगा। आपकी कही हुई बातों को अगर हम तहकीक नहीं करेंगे तो हम गलत और सही के मेयार को खतरे में डाल दें।